हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपके लिए अपडेट है एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से, तो बने रहिए स्टूडियो में मेरे साथ। दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एनसीआरटीसी की तरफ से 226 वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों एनसीआरटीसी की तरफ से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ के लिए 226 वैकेंसियां निकाली गई हैं और ये सभी 226 वैकेंसियां जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसियां हैं और इन सभी 226 वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएंगी और आप 30 सितंबर 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ इस नोटिफिकेशन में इन सभी 226 वैकेंसियों को 11 अलग अलग पोस्ट वाइज बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट वाइज कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो सबसे पहली कैटेगरी में जो पोस्ट है वो है मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल की। यहाँ पे कुल 2 वैकेंसियां हैं। 28 साल तक की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा हो तो आप यहाँ मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल की इस कैटेगरी की सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में वैकेंसी है मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के लिए कुल 36 वैकेंसियां। 28 साल तक के कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा हो तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की इस कैटेगरी की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरी कैटेगरी में वैकेंसियां हैं मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की यहाँ कुल 22 वैकेंसियां रखी गई हैं। 28 साल तक की आपकी एज लिमिट रखी गई है और इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। चौथी कैटेगरी में वैकेंसी है मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल के लिए कुल 2 वैकेंसियां। 28 साल तक की आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और इस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट यहाँ 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा हो तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। पांचवी कैटेगरी में वैकेंसियां हैं प्रोग्रामिंग एसोसिएट की कुल 4 वैकेंसियां। 28 साल तक की आपकी एज लिमिट रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में, आईटी में बीसीए कर रखी हो या बीएससी आईटी कर रखी हो तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ प्रोग्रामिंग एसोसिएट की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। छठी कैटेगरी में वैकेंसी है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए। इस पोस्ट के लिए कुल 43 वैकेंसियां निकाली गई हैं। 25 साल तक की आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और बात करें यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो कैंडिडेट ने जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखी हो तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की इन सभी 43 वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सातवीं कैटेगरी में वैकेंसी है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए कुल 27 वैकेंसियां। 25 साल तक की आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई कर रखी हो तो आप यहाँ इन सभी 27 टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आठवीं कैटेगरी में वैकेंसी है टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए कुल 3 वैकेंसियां। 25 साल तक की आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने यहाँ पे एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई कर रखी हो तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नौवीं कैटेगरी में वैकेंसी है टेक्नीशियन फिटर के लिए कुल 18 वैकेंसियां। 25 साल तक की आपकी एज लिमिट रखी गई है। इस पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रखी है वो यहाँ इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दसवीं कैटेगरी में वैकेंसी है टेक्नीशियन वेल्डर के लिए कुल 2 वैकेंसियां। 25 साल तक की आपकी एज लिमिट रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने वेल्डर या उसके इक्विवेलेंट किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी हो तो आप यहां इन सभी टेक्नीशियन वेल्डर की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और सबसे लास्ट 11वीं कैटेगरी में वैकेंसी है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोलर की। इस पोस्ट के लिए कुल 67 वैकेंसियां निकाली गई हैं। 28 साल तक की आपकी एज लिमिट रखी गई है और इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या उसके इक्विवेलेंट कोई भी, या फिर कैंडिडेट ने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखी हो तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इन सभी 67 स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ दोस्तों इन सभी 226 वैकेंसियों के लिए कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन और बाकी सारी कंडीशन जो चेक की जाएंगी वो 11 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग चेक की जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं आप सबके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जितनी भी वैकेंसियां सीरियल नंबर 1 से 10 के बीच में है उन सब के लिए कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा।
और यहाँ जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। और जो सीरियल नंबर 11 पे जो वैकेंसी है उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें सबसे पहले कैंडिडेट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद कैंडिडेट का जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन भी जो है वो एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल कैंडिडेट का कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे बताया हुआ कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन सबका श्योरिटी बॉन्ड का अमाउंट क्या रहेगा। तो सीरियल नंबर 1 से 5 और 11 नंबर की जो पोस्ट है उस पे जो आपका बॉन्ड अमाउंट रहेगा वो 1.5 लाख रुपए का रहेगा, और सीरियल नंबर 6 से 10 पे जितनी भी वैकेंसियां हैं वहां आपका जो बॉन्ड अमाउंट रहेगा वो 1 लाख रुपए का रहेगा, और जो आपका मिनिमम सर्विस पीरियड रहेगा बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो 2 साल का रहेगा। अब दोस्तों इसमें आगे बात करते हैं कैंडिडेट के मंथली फिक्स रेमुनरेशन के बारे में। मेंटेनेंस एसोसिएट जितनी भी कैटेगरियां हैं, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट पे जितने भी कैंडिडेट यहां सिलेक्ट किए जाएंगे उन सबका जो मंथली फिक्स रेमुनरेशन रहेगा वो 35,250 रुपए रहेगा। ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट पे कैंडिडेट का जो मंथली फिक्स रेमुनरेशन रहेगा वो 37,750 रुपए रहेगा, और टेक्नीशियन की जितनी भी कैटेगरी में वैकेंसियां हैं वहां आपका जो मंथली रेमुनरेशन रहेगा वो 23,850 रुपए रहेगा। और यहाँ दोस्तों जितने भी कैंडिडेट इन सभी वैकेंसियों पे सिलेक्ट किए जाएंगे उन सब की जो है वो ज्वाइनिंग से पहले या पोस्टिंग से पहले जो है वो ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 500 रुपए प्लस जीएसटी रखी गई है, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी। और यहाँ दोस्तों उन्होंने इस नोटिफिकेशन में आपकी फोटोग्राफ की इमेज, आपकी साइन की इमेज के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन बताई हुई है, साथ ही यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट भी बताए हुए हैं जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपलोड करने हैं। तो ये सारी ही डिटेल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसी डिटेल के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को अपना ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त फोटोग्राफ की इमेज, साइन की इमेज और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे। और यहाँ दोस्तों उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कुछ कोर्सेज की डिटेल भी बताई हुई है कि कौन सा कोर्स जो है वो किस डिसिप्लिन के लिए कंसिडर किया जाएगा, तो ये सारी डिटेल भी जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।